उन्होंने दरवाज़ा खोला और कई बार वो बातचीत में महात्मा फुले से कहती थी कि मैं अब थक गई हूँ, बहुत इतनी मैं अपमानित हो गई हूँ, इतनी मैं थक गई हूँ कि अब मुझसे नहीं होता। तो फुले उनको कहते थे कि दरअसल ये तुम्हें अपने लिए नहीं करना है, इसलिए तुम्हें नहीं थकना है, तुम्हें उन सभी महिलाओं के लिए करना है जहाँ बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगी, अगर तुम थक गई तो ये कारवा रुक जाएगा। ऐसी महिला जो दूसरों की हेल्प के लिए, वो जो सेहत उस समय प्लेग आया और उस प्लेग के बाद में जितनी मौतें हुई, जितने लोग जा रहे थे, तो उन्होंने एक डॉक्टरी का भी काम उस समय किया और उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे इससे क्या इन्फेक्शन हो जाएगा और इसी इन्फेक्शन के तहत उनका देहांत हुआ। ऐसी महान महिला की आज पुण्यतिथि है, मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग उनको फूल अर्पण करें। आइए मैम, सभी का कोई नहीं मैम, रुका रहेगा। संदीप जी उस पर पिक कर, संदीप भाई ठीक है, अरे हम कर दीजिए बच्चे कल सावित्री भाई फुले में है या अरे या तुम्ही आम्हाला आणलाय चढवले अब दी फुल रखा आज महात्मा गांधी विश्वविद्यालय आई हमारी वक्तागण और सभी साथियों को मैं फिर से एक बार इस मंच पर और आकर्षित करती हूँ। और एक वाक्य मुझे अभी फूल अर्पण करने पर याद आया कि महात्मा फुले का जो टाइटल है, जो सरनेम है उनका, क्योंकि व्यवसाय था फूलों का, इसलिए भी पड़ा था।
तो ये फूले क्योंकि जो 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 व्यवसाय हुआ करता था वही वही टाइटल हुआ करते थे। तो महाराष्ट्र में टाइटल की अपना एक किस्सा है, अपना एक इतिहास है, और कास्ट वाइज ये बहुत सम्मानजनक और कास्ट वाइज बहुत अपमानजनक किस्सा है। मतलब ऐसे ऐसे स्तर है टाइटल में, और सुनते ही किसी का सरनेम सुनते ही बहुत गर्व महसूस होता है, किसी का सरनेम सुनते ही बहुत अपमान महसूस होता है। तो महात्मा फुले को हमेशा अपने आप को वो समाज में पाते थे कि कम से कम मैं जो माली हूँ, जो मेरा व्यवसाय है फूलों का, तो मेरे साथ इतने ऊंचे लेवल की भेदभाव, इतने ऊंचे लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिन जो बाकी अदर लोअर क्लास पीपल के साथ था। तो ये उनका एक एडवांटेज था कि उनको वो टच थे, वो अनटच नहीं थे। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। निर्मला मैम आए, कौशल मैम आए, नूर मैम आए, कल्याणी ठाकुर, कल्याणी ठाकुर, बहुत बड़ा मंच नहीं है हमारा, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मंच है, यहाँ पर फ्री है हम लोग, अनौपचारिक जो मंच होता है वो बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर हम फ्री है बात कहने के लिए। एक उधर रख दीजिए। वक्ताओं का मैं संक्षिप्त में परिचय दे दूं। निर्मला मैम, निर्मला पुतुल मैम बहुचर्चित संताली लेखिका है, कवयित्री है, सोशल एक्टिविस्ट है, दुमका संताल परगना झारखंड से है मैम, और एक्टिविस्ट है, और कई सारी रचनाएं हैं इनकी, कविताएं हैं, पंजाबी, नेपाली, उर्दू, उड़िया भाषा में लिख चुकी है, अंग्रेजी भाषा में लिख चुकी है। और क्योंकि हम काफ़ी विलंब से चल रहे हैं प्रोग्राम में, तो मैं ज़्यादा कोई औपचारिकता नहीं निभाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि निर्मला मैम अपनी बात हमारे सामने रखें। आप सबको आज सावित्री बाई फुले की पुण्यतिथि पर उपस्थित हमारे आदर्श विद्यार्थीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज ये बहुत शुभ दिन है, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि आज हम लोग आप सब से मिल पाएंगे, ये तो इत्तेफाक से प्रोग्राम बन गई, तो आज से हम लोग आप लोग के साथ में शरीक है। आज इस दिन में आप लोग के साथ भेंट करते हुए हम कल्पना नहीं कर सकते, उस शब्द में बयान नहीं कर सकते कि कितनी अंदर से खुशी हो रही है, ये हम समझ भी नहीं पा रहे। लेकिन यह मुलाकात थी अचानक ही, जो अचानक होता है वो बहुत अच्छा होता है, और ऐसा हम मानते हैं, ऐसा शायद ही हर कोई का अच्छा मानना होता है कि जो अचानक होता है वो अचानक से बहुत अच्छा हो जाता है, जो आदमी सोच भी नहीं पाता है। फिर भी हम आज इस धरती पर यहाँ पर खड़े हैं, इस पुण्यतिथि पर हम इनको पहले नमन करते हैं। इन्होंने जो हम नारियों को जो सम्मान दिया है, अलग जगाने का जो काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, ये वाकई सराहनीय कार्य है, और शायद आज हम इसी वजह से एक साथ एक छतरी के नीचे यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम इनका अभिनंदन करते हैं कि हम नारी यहाँ पर एक साथ मिल बैठ करके आपस में पुरुषों के साथ भी कदम से कदम मिला करके बात करते हैं, कंधा से कंधा मिला करके काम में हर दुख मुसीबत में शरीक होते हैं। आज वाकई इन्होंने अलख ना जगाया होता तो शायद हम महिलाएं कभी पढ़ नहीं पाते, शिक्षित नहीं हो पाते। इन्होंने अपने समय में इस महान काम को किया है, इसके लिए मैं पुनः इनको बार बार नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में आप सभी का सराहनीय इस योगदान देने के लिए, हम लोग से मुलाकात करने के लिए आप लोग को बार बार धन्यवाद। अपनी कविता तो एक सुनाइए। हाँ, कविता भी सुनानी है मैम। एक तो आपने कविता लिखी थी,
मुझे उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, शायद मैं मतलब मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ बुक से सुना सकती हूँ। हाँ वैसे तो जैसे यहाँ वहाँ की पंक्ति सुना पाऊंगी, अतीत की पूरी पंक्ति इसके बावजूद भी आपके पास हथियार है, ये हथियार तो लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल हथियार नहीं तो फिर हम नहीं। ये खुले माहौल पर ये आजादी, ये कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है। कविता का शीर्षक है उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तो। मत ब्याहना उस देश में जहाँ आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहां मत कर आना मेरा लगन। वहां तो कतई नहीं जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता, जिसमें बड़ा सा खुला आंगन ना हो, मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो जहां सुबह और शाम पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पोचे और हड़िया में हमेशा डूबा रहता हो, काहिल निकम्मा हो, माहिर को मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में। ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर, कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल असम या कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए हमें। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाए, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, हौ से हाथ, उसके हाथ मत देना कभी मेरा हाथ। ब्याहना हो तो वहां ब्याहना, जहां सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल। मैं जो कभी दुख में रहूं इस घाट, तो उस घाट पानी में स्नान करते वक्त सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ की लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर, उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू कोड़ा खेक्सा बरबट्टी समय समय पर गोगो के लिए भी। मेला हाट बाजार आते जाते मिल सके कोई अपना, जो बता सके घर गांव का हाल चाल, चित कबरी गैया के ब्याने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते। ऐसी जगह मुझे ब्याना, उस देश में ब्याना जहां ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हो जहां, वहीं ब्याना मुझे। उसी के संग ब्याना जो कबूतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक। चुनना वर ऐसा जो बजाता हो सुरीली बांसुरी और ढोल मादल बजाने में हो पारंगत, बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जुड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर। उसी से ब्याहना मुझे, उसी से ब्याहना मुझे, उसी से ब्याहना। बहुत शानदार कविता मैम, और इतनी सतही बात आपने कही। आप ही के संदर्भ में मैं आपको फिर से एक बार लेकर चलती हूँ, आपकी एक कविता पढ़ देती हूँ। उनकी आंखों की पहुंच तक ही
सीमित होती उनकी दुनिया। उनकी दुनिया जैसे जैसी कई कई दुनियाएं शामिल है इस दुनिया में, नहीं जानती जानती वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती है उनकी चीजें दिल्ली, जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती उनकी दुनिया की पतंगिया। नहीं जानती कि कैसे सूख जाती है उनकी दुनिया तक आते आते नदियाँ। तस्वीरें कैसे पहुंच जाती हैं उनकी महानगर, नहीं जानती वे नहीं जानती। मैम से बहुत, मैम को जानने के बाद में इतना सतही एक परिचय हो जाता है कि गांव पहाड़ों की जो दुनिया है उसका जो आकलन है कितना सतही है मैम का। कोई उसमें मराठी थोड़ा टच दे दिया, तो इसमें कोई शब्दों का कोई जाल नहीं, साहित्य का कोई जादू नहीं, शब्दों का कोई माया जाल नहीं, है ना। भावना समझी, जो जहाँ से जैसा आया उसको उसी रूप में मतलब पिरोया। ये इनकी कविता की मुझे खूबी लगी है, बहुत बढ़िया। अगली वक्ता को मैं परिचित कराऊं, कौशल पवार जी है हमारे बीच। वो दलित राइटिस्ट है, एक्टिविस्ट है, एकेडमिशियन है, और उनको अम्बेडकर सम्मान भी मिल चुका है 2012 में। और वो उत्तर प्रदेश के, नहीं मैं उत्तर प्रदेश के। विकिपीडिया को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। हाँ, वो थोड़ा सा ना उल्टी सीधी बातें ज़्यादा बोल देते हैं। सबसे पहले राष्ट्र ज्योति, क्रांति ज्योति, पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को चरणों में नमन करते हुए, तमाम उन संघर्षों के जो गवा रहे उनके साथ, उनको मेरा सादर नमन। हमारी जो नारी शक्ति है, हालांकि नारी शक्ति आजकल बड़ा अलग तरह से प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए जो कम से कम प्रतीक हैं, कल्याणी ठाकुर दीदी, निर्मला पुतुल जी, नूर जहिर दीदी, हमारे तमाम जितने दोस्त बैठे हुए हैं, संजीव जी और सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय फातिमा, जय सावित्री बाई फुले। एक तो मेरे पास शब्द नहीं है, आपने इतने शॉर्ट समय में इस तरीके से इंट्रैक्शन किया, ये सबसे बड़ा मंच है। हम लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ की औपचारिकता में कई बार बहुत सारे सेमिनार संगोष्ठी करते ही रहते हैं, लेकिन उनमें जो बात करने का जो होता है उसमें एक हम लोगों का एक सीमा होती है, एक तरह से बाउंडेशन जिसको हम कहेंगे वो रहेगा। लेकिन यहाँ हम लोग, मुझे लगता है बजाय हम बोलें और आप सुनें, ऐसा ना हो कि हम आपस में चर्चा करें। और जो जैसे कि संजीव ने जो आज का विषय, जो एक तरह से आप लोगों ने अम्बेडकर स्टूडेंट फॉर्म ने जो आज का विषय जो रखा, आज के स्त्री, मैं इसी पर थोड़ी सी बात करूँगी और अनफॉर्मली तरीके से मैं बात करना चाह रही हूँ, बजाय इनफॉर्मल एक इंट्रैक्शन हो। और मेरे लिए क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, तो आप सबको देख के ऐसा भाव भी आ रहा है जैसे मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ। हालांकि हम लोग साथी हैं, सभी आप लोग चेतना वाले हैं, ना सिर्फ विद्यार्थी हैं बल्कि एक खास समझ के साथ आप लोग हैं, और ख़ासकर जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, आपका नाम देख के, अम्बेडकर स्टूडेंट फॉरम देख के मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की याद आ रही थी। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन था, यहाँ वर्धा में फॉरम हुआ, कहीं और किसी और के नाम से है, लेकिन ये भी एक 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 हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नरेटिव बदला हम लोगों ने, कि किस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को यूनिवर्सिटीज़ के बीच में खड़ा किया। या अदरवाइज तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे डिस्कशन करना अपने आप में ही एक अपराध था, राष्ट्रद्रोह जिसको हम कहेंगे, क्योंकि मेरे समय में भी वो था और आज भी, बल्कि आज तो और ज़्यादा गहरा है, उस वक्त भी गहरा ही था, लेकिन उसमें इस तरीके से हम लोग अशर्षण की मुद्रा में थे नहीं, मतलब जब हम बराबर में होंगे ही नहीं तो दबाव भी होगा नहीं, लेकिन जब हम सामने टकराहट की मुद्रा में होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे डिस्कोर्स करना अपने आप में ही आप लोगों के लिए इसकी क्रेडिबिलिटी जाती है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का ही स्वागत और धन्यवाद देना चाहती हूँ जो एक इंट्रैक्शन आप लोगों ने हमारे बीच में रखा। मैं दो तीन बिंदु पे बात करना चाहूँगी, हालांकि मुझे आज निर्मला पुतुल दीदी को और कल्याणी ठाकुर को और
नूर जाहिर को सुनने में और संजीव भी बोले बीच में, तो हम लोग सुनने में थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था कि ये बोलेंगे तो हम सुनेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा मौका दिया तो मैं 2-3 मिनट्स में अपनी बात ज़्यादा पूरी ना करके नूर जाहिर ज़्यादा बोलेंगे इसके ऊपर ना, क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम लोग फिर भी थोड़ा टीचरी परंपरा में ज़्यादा रहते हैं और मेरा तो विषय भी संस्कृत है, मैं आपको बता दूँ मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। आज की जो स्त्री है असल में, और ख़ासकर हम युवा स्त्री की बात करें, जो जो एक नरेटिव को चेंज करना चाहती है, जो आख्यान को अपने तरह से परिभाषित करना चाहती है, क्योंकि उनके सामने जो आइडल है सावित्री बाई फुले का है, फातिमा जी का है और तमाम उन लोगों का है जिन्होंने इतिहास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। जब संचालिका महोदया जब उनका परिचय दे रही थी तो मुझे अंदर से एकदम जैसे होता नहीं रोए खड़े हो जाना कि वो कुर्बानी, वो साहस, वो लड़ना, वो तिलांजलि देना हर एक चीज़ को, क्या आज की स्त्री में ऐसा है। मैं बेसिकली जैसे जैसे ये बात कर रहे थे मैं अपना विश्लेषण भी खुद कर रही थी, क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं तो खुद भी सोच रहे होते हैं, उस पूरी की पूरी एक फॉर्मेशन को हम लोग समझते हुए आंकलन भी करते हैं, तो ये कोरिलेट हो पा रहा था कि सावित्री बाई फुले के बारे में हम लोग बता रहे हैं आपकी साथ ही साथ हम आज की जो स्त्रियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, आज की जो युवा जो लड़कियाँ हैं उनके कैसे डिस्कोर्स हैं, क्या वो कुर्बानी, वो नरेटिव, वो इतिहास से लड़ना, टकराना और एकदम सीधी लड़ाई। आज़ादी के बाद जो हमने हासिल की है वो तो एक कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक तो है ही, प्रधान संवैधानिक है, और अगर कोर्ट चाहें तो उसके खिलाफ फैसले भी दे सकती है, वो अलग बात है, वो नहीं देती, कम से कम ऐसे केसेस में नहीं देती जो एक अलग तरह की विचारधारा को लेकर चलता हो या सामाजिक न्याय की, वाकई सामाजिक न्याय की बात करता हूँ। हमारा डिस्कोर्स तो समानता से बदल के अब समरसता की तरफ आ रहा है, तो ये जो डिस्कोर्स है इसमें इस तरीके की अगर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी आए तो हम वहाँ नई छात्राएं या युवा लड़कियां कहाँ खड़ी होती है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हम जो युवा जो स्त्रियां हैं उनके आज के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से बदले हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केटिंग का बढ़ता जा रहा है खासकर युवा लड़कियों पर, एजुकेशन जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, व्यवसायीकरण होता जा रहा है, उसमें इवन कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में भी जो कंपनियां आती हैं लेके जाती हैं, मैं कहना ये चाहती हूँ प्लेसमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है बिजनेस के नाम पे, कॉमर्स के नाम पे, या फिर आप कहिए एक तरह से जाने माने जो कॉरपोरेट जो घराने हैं वो किस तरीके से कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटी तक, एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंचती हैं, और फिर वो लड़कियों को कैसे रिप्लेसमेंट देती है, प्लेसमेंट जो एक तरह से बना हुआ है। तो आज की जो लड़कियां हैं या आज की जो युवा जो स्त्री की जो आज की समस्या है वो कई लेयर्स में है। एक तरफ उसके सामने प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ एक शेरशाह सूरी के मुख की तरह है, जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ में जो एक दौर था हम लोग प्रवेश किए, और ख़ासकर ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ मेरिट की बात होती थी, मेरिट वो वाली मेरिट की बात नहीं मैं कर रही, ऐसी मेरिट जहाँ सीधा आप एडमिशन लेते थे तो उनकी फीस का स्ट्रक्चर, हॉस्टल में रहने का, उनका पूरा का पूरा किताबों का, कुछ स्कॉलरशिप का भी, ये सारी की सारी चीज़ें जो एक मेरिट के आधार पर मिल जाती थी। मैं JNU का उदाहरण देना चाहती हूँ असल में, ऐसे इंस्टीट्यूट जो जिनके दम पे हम लोग पास आउट होके यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, बाहर निकलते थे, तो उसका एक अलग नैरेटिव हमारे सामने, अलग एटमोसफेयर आता था, और जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंटर होते थे तो क्योंकि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में हमारे लिए स्पेस था, स्पेस इन द सेंस मतलब उसमें फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल का, हमारी किताबों का, साथ ही साथ स्कॉलरशिप की सुविधाएं, तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होने चाहिए वो लगभग एक तरह से सुविधाजनक हम लोग कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर लिबरल ना हो कि लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है, अगर वो ना भी हो तो भी एक मिनिमम एक प्रवेश में हम ले पाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे जिस तरीके का सिनेरियो चेंज हो रहा है, हम एक तरफ एजुकेशन की लड़की क्या बोलते हैं वो नारा कौन सा, लड़की पढ़ा बेटी बचाओ, एक तरफ ये है, लेकिन ठीक उसके पैरेलल में तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो चेतना आनी चाहिए, जो एक नागरिकता की, जो एक समान जो अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक जो एक जागरूकता आनी चाहिए, वहाँ हम लोगों ने धीरे धीरे उन पे अपना शिकंजा कसना शुरू किया। ये आज का प्रश्न हमारे सामने गंभीर है, वो चाहे आप उसको रिजर्वेशन के रूप में देख लीजिए। अब धीरे धीरे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ,
पुरुष मित्रों से आप अदरवाइज ना लें, मैं सिर्फ एक एजुकेशन का आंकड़ा, मोटा सा आंकड़ा जो किसी किसी की रिपोर्ट नहीं है, जस्ट एक सतही मैं बात करना चाह रही हूँ। अभी पिछले दिनों हरियाणा में रिजल्ट आया कई सारे इंस्टीट्यूट का, एक खास तरह के इंस्टीट्यूट की मैं तरफ इशारा करना चाह रही हूँ, फीमेल कॉन्स्टेबल का टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद उसकी मेरिट जब बनी तो जो एक मेंटलिटी हमारी बनी हुई थी कि अगर मतलब जैसे हम एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे एडमिशन अभी शुरू होगा तो 5% हम लड़कियों को अलग से प्रिविलेज देते हैं, या फिर अगर लड़कों की मेरिट 59 होगी या 89 होगी तो उनकी 87 हो जाएगी, थोड़ा सा जो एक बनता था। यहाँ पे उल्टा हुआ, वहाँ जहाँ लड़कों की जो कॉन्स्टेबल बॉयज थे उनकी जो मेरिट गई वो गई 58, और लड़कियों की जो गई वो गई 62। तो ये फासला मतलब एक अलग तरह का नरेटिव पेश कर रहा है, यानी कि लड़कियों को जब जब अवसर मिला, जो जो आज के जो युवा जो छात्राएं हैं उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया तमाम सारे हर्डल्स को धकेलते हुए, झेलते हुए, तमाम असुविधा को सामना करते हुए, इसके बावजूद भी जो रिजल्ट का हमारे सामने दिनों दिन जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसमें हम लड़कियों ने साबित किया है कि आज की जो लड़की है वो इतनी कमजोर है नहीं, उनके सामने एकदम सीधे रूप से अब आइडल है कि सावित्री बाई फुले जैसी महिलाओं की कुर्बानी, जिन्होंने सब कुछ त्यागा सिर्फ इसलिए कि शिक्षा के दरवाजे उन लड़कियों के लिए भी खोले जाएं, उन महिलाओं के लिए भी खोले जो सदियों से बंद थे। वो चाहे मैं हालांकि मुझे बहुत प्राचीन बुद्धिस्ट काल की तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा नालंदा, तक्षशिला, 8 यूनिवर्सिटीज़ का अगर विश्लेषण कर लिया जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं स्त्री जो शिक्षा थी फिर उनका आंकड़ा कम था, कम से कम अगर मैं बिल्कुल एकदम दावा के आधार पर नहीं कह सकती, क्योंकि पिछले दिनों मैंने तक्षशिला में यह जानकारी कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं एक था जो रेशियो था पढ़ाई का, जहां हम बहुत बड़ा एक बदलाव एक इतिहास में देखते हैं बुद्धिस्ट काल को, वहां जो शिक्षा की जो एक तरह की जो अगर उसका विश्लेषण कर लिया जाए तो वहां लड़कियां कम से कम बराबर में तो नहीं थी, अगर पीछे नहीं थी तो बराबर में भी नहीं थी, ये मैं कह सकती हूँ। हो सकता है इसमें इतर हूँ और मेरा ज्ञान भी हो सकता है उसमें कम हो, क्योंकि मेरा संस्कृत ग्रंथों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, बुद्धिस्ट का लिटरेचर की तरफ का, लेकिन फिर मोटा मोटा सा मेरा अंदाजा है कि शायद ऐसा हाल, क्योंकि जब भी हम आलोचना खासकर एक खास वर्ग के लोग जब आलोचना करते हैं तो इसी पॉइंट पे भी ज़्यादा करते हैं, ये बहस का विषय भी है। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ सिर्फ वो ये कहना चाहती हूँ कि जब जब आज की स्त्री को समय दिया, अवसर दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी जब मिल रही है तो उसने साबित किया है, लेकिन संकट जो उसके सामने है वो ऐसा है कि उसने तमाम नौकरी को करते हुए भी एक एक तरह की जो जो आज़ादी, जो संवैधानिक आज़ादी जो उसकी मिली हुई है, उस आज़ादी का जो प्रयोग करने के लिए उसके पास अवसर है वो शायद आज की स्त्री नहीं कर पा रही। तमाम इसके बावजूद मैं कहना ये चाह रही हूँ, तमाम सारी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के बाद भी हमारी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो नशा तक पहुंची हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक तरह से इंडस्ट्री में भी अपनी धाक जमाई। अभी दो तीन दिन पहले नागपुर की जो महिला है, क्या नाम है उनका, सरोज करके, उनको अवार्ड भी मिला है, कल्पना सरोज को उनको अवार्ड दिया गया, मतलब बिजनेस में एक तरह से साबित करने के लिए। हाँ, बहुत सारी महिलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसा छूटा हुआ है जो हम इकोनॉमिक आधार पे भी अगर बराबर में है, जरूरत भी है, मतलब लड़कियों को पढ़ाना और उनको रोजगार, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, ये इसलिए नहीं है कि उनको बराबरी का दर्जा देना है। यूनिवर्सिटीज में भी जो बहुत सारी टीचर्स हैं, मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल बता रही हूँ आपको, हैरानी होगी जान के, जो 7th पे कमीशन के बाद इतनी अच्छी तनख्वाह जो लेती हैं उनके ATM पुरुषों के पास होते हैं, अब सोच के देखिए। और वो महिलाएं जो अच्छे से खाते पीते घरों की हैं, आम महिलाओं की बात नहीं कर रही, आम महिलाएं तो हमारी जो खासकर दलित बहुजन समाज के महिलाएं, उन्होंने तो बराबर में कंधे से कंधा काम करके सदियों से बराबर में काम किए, खेत में काम करते थे तो दोनों पति पत्नी जाते ही थे, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करने का काम हो, चाहे रोड पे काम करने का हो, चाहे इवन किसी के घरों में काम करने का हो, तब भी पुरुष के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। लेकिन आज की जो स्त्री है जो बहुत अपने आप को लिबरल भी दिखा रही है, लेकिन वैचारिक जो स्तर है उसका वो कितना लिबरल हुआ, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात इसके ऊपर संक्षेप में आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। लास्ट बात बस मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें लड़कियों को भी बराबर में आने की ज़रूरत है।
अगर आप रिजर्वेशन की बात करती हैं, आप चाहती हैं कि हमें भी रिजर्वेशन मिले, लेकिन आप ये नहीं चाहती कि आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिंसा लें। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पुरुष तो रिजर्वेशन के लिए लाठियां खाएं और हम महिलाएं लड़कियां घरों में बैठें, लेकिन नौकरी जब आए, मतलब जब भरने का आए फॉर्म, तो हम अप्लाई भी करें और उसका लाभ भी हम लें। मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि लड़े कोई और खाए कोई और, ये तो सदियों से ही होता आया था। तो अगर हम भी ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हम लोग उस मूवमेंट को जो विरासत में हमें मिला है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतने संघर्षों के बाद न सिर्फ दलित बहुजन समाज की महिलाओं के लिए बल्कि भारत की तमाम स्त्रियों के लिए, जिन्होंने संवैधानिक अधिकारों से एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करके हमें दिया जिसको शायद कम से कम हिलाया तो नहीं जा सकता। आप भले ही, आप एक दिन किसी ने व्हाट्सएप पे जोक डाला हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये कहें कि संविधान चोरी हो गया, अब मनुस्मृति का दाखिल। तो ये एक बड़ा दूसरा नैरेटिव में एक चीज और बता, एक और जोक सुनाना चाह रही हूँ आपको। एक पति पत्नी होते हैं, पति हमेशा अपनी पत्नी को कहता है, उसको अपनी वो दिखाने के लिए, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पत्नी हर रोज सुनती, उसको गुस्सा तो बहुत आता, मन तो करा उसको 3-4 मार, लेकिन क्योंकि पति था तो हम लोगों के संस्कार ही ऐसे बने हुए हैं कि पति जो मर्जी करे लेकिन फिर भी कम से कम इस तरीके का वो करती हैं। हालांकि महिलाएं ऐसा नहीं है, खूब करती हैं, दलित महिलाएं तो ज्यादा करती हैं। मैं ये ठोस एक्सपीरियंस है धरातल करता, किताबी ज्ञान में डिस्कस नहीं करना चाह रही, हम बहुत पढ़ते हैं क्लास रूम में, उसको मैं डिस्कस ही नहीं करना चाह रही, मैं सीधी बात कर रही हूँ बस। तो क्या हुआ, वो पत्नी हर रोज सुनती इसको, उनका बड़ा गुस्सा आता। एक दिन उसने पड़ोस में अपनी सहेली से पूछा कि यार ये मेरा पति है जो, वो प्रशंसा कर रही थी असल में उसके पति की कि देखो तुम्हारा पति कितना अच्छा है, चुपचाप आता है शाम को और सो जाता है, और तुम्हारे घर में से लड़ाई की आवाज़ें नहीं आती। तो वो पत्नी कहती है कि लड़ाई की तो इसलिए नहीं आती ना क्योंकि मैं विरोध ही नहीं करती, भाई विरोध करेगी तो लड़ाई होगी ना, आप चुपचाप सुन के आप अपने काम में लगे रहे तो लड़ाई कहाँ होगी। तो उसने कहा कि क्या हो गया कि ये मेरे को हर रोज ये कहता है, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उस वो जो पड़ोसन थी उसने उसको सलाह दी, उसको कहा कि उसको ये बोलना, जब वो ये बोले उसको जवाब देना, उसको ये कहना, ढोल गंवार पशु शूद्र घोड़ा जितना मारो उतना थोड़ा। उसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया। अगले दिन जब उसका पति कहा, और एकदम उसने ये कहा, एक मिनट मैं भी सुना दूं आपको एक, फिर उसने ये सलाह, ढोल गंवार पशु शूद्र घोड़ा जितना मारो उतना थोड़ा। तो ये जरूरत भी है, मतलब अगर आप जवाब नहीं देने की स्थिति में है तो आप इकोनॉमिक आधार पे कितने भी डेवलप हो जाइए, आप तमाम अधिकारों को एंजॉय करिए, हम लोग अच्छा खासा पहनते हैं, पहनने की भी हमें आज़ादी है, हमें उठने बैठने की आज़ादी है, खाने पीने सारी तरह की आज़ादी है, लेकिन वैचारिक आज़ादी नहीं है। हम कहीं ना कहीं ओढ़े हुए भी हैं। हमारी जो यंग लड़कियां ना ओढ़ती बहुत हैं, प्यार तो करती हैं दूसरे को लेकिन हिम्मत नहीं करती शादी करने की उसके साथ। आज ये लड़कियों का नैरेटिव बदल चुका है, और जब शादी करनी होती है तो उसके साथ नहीं करती, यूँ कहेंगे नहीं घर वाले जो कहेंगे वही करूंगी। और ये यूनिवर्सिटीज में कैसे जाते हैं, भले वहाँ हम जैसे लोगों का भी चक्कर आ जाता है कि इसको क्या कहें। यानी कि लड़की ने भी, कोई जरूरी भी नहीं है, मैं बिल्कुल इसको ये नहीं कहती कि जिससे आप प्यार करोगे शादी भी उसी से, जरूरत क्या है उसी को ढूंढने की, मत करो। वो अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हम जो आज की जो लड़कियाँ हैं, आज की जो स्त्रियाँ हैं, दोहरी सी जिंदगी जीती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं अलग हूँ, क्योंकि हमने तमाम मूवमेंट में भी काम करते हुए देखा, मैं थोड़ा बहुत मूवमेंट में भी कर लेती हूँ, आना जाना इधर उधर लड़कियों के बीच में, या सामाजिक मूवमेंट जब जब होते हैं तो जाते रहते हैं, तो वहाँ जो भागीदारी होती है हम लड़कियों की, स्त्रियों की कम होती है। अगर मोटे मोटे संगठनों को, मोटे मोटे इन द सेंस कुछ लिबरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें महिलाओं की भागीदारी को अगर छोड़ दें तो हमारी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ में भी, इवन मैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, वहाँ लड़कियों की भागीदारी कम होती जा रही है, और वो अलग तरह के, उसको एक अलग तरह के मोड़ की तरफ लिया जाता है। हम हर तरह से आज़ाद होते जा रहे हैं, कल्चरली हम आज़ाद नहीं हो रहे। अब देखिए ना, एक बिल्कुल फनी सा आपको एग्जाम्पल दे, लड़की कितनी भी लिबरल क्यों ना हो, जब वो फेरे लेती है ना लहंगा चुन्नी में ही लेती है, ऐसा क्यों? आपने देखा कभी किसी की शादी हो रही है और उसने जींस पहनी हुई है? सोच के देखना, मैं ये प्रश्न छोड़ के जा रही हूँ, अब देखिएगा, सोच के देखना इसके ऊपर। यानी कि वी आर चेंजिंग बट वी आर नॉट कल्चरली चेंजिंग। डी संस्कृताइजेशन हम ओढ़े हुए हैं, उसको हम फ्रेम इस तरीके से कर रहे हैं
जो सेफ जोन की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। सही। उस सेफ जोन में हम लड़ना भी चाहते हैं, उस सेफ जोन में हम जीतना भी चाहते हैं, लेकिन जो मौलिक जो बदलाव आना चाहिए, जो सावित्री बाई फूले ने किया था, जो रमाबाई अंबेडकर ने किया था, जो तमाम जो हमारी स्त्रियां हैं, जो आइडल हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेकर तमाम साधु संतों की परंपरा, साधु छोड़ दो, साधु का आजकल बड़ा खराब वाला कंसेप्ट है, संत परंपरा मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, उनकी जो परंपराएं हैं उनके आधार पे अब लोकायत यहाँ रहा, चारवाक की परंपरा रही, पूरी की पूरी एक थ्योरी है हमारे सामने जो हमें चैलेंज करती हुई व्यवस्था के साथ दिखाई देती है। लेकिन आज का जो हमारा जो सिनेरियो है, आज की हम जो महिलाएं हैं बड़ा सेफ जोन में एंजॉय करते हुए मूवमेंट चला रही हैं, ये मेरा एक सवाल है आप सब नौजवान साथियों के साथ सामने। लास्टली बस एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज के जो खतरे हैं एजुकेशन पे वो बहुत भयानक है, और खासकर लड़कियों के लिए और ज़्यादा है। जिस तरीके से जैसे जैसे अभी पिछले दिनों जो जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो एक नेगोशिएशन हुआ कि यूनिवर्सिटी में अगर आपको किसी कॉलेज में इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में अगर हॉस्टल या कोई भी लाइब्रेरी खोलनी है या किसी भी तरह का खोलना है तो आप कर्ज लेके खोलेंगे, तो कर्ज लेके जब खुलेगा और एक हर तरह का एक बिजनेस कॉरपोरेट की तरह एक एजुकेशन को देखा जा रहा है और देखा जा चुका है, ये और मैं बता दूँ आपको वो MOU साइन हो चुका है। अब UGC या MHRD किसी भी इंस्टीट्यूट को किसी भी तरह का कोई ग्रांट नहीं देने जा रही, जो कल्याणकारी राज्य की जो एक हमारे सामने स्थापना थी वो अपला झाड़ चुके हैं पूरी तरह से, प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेली जा रही है एजुकेशन। और जिस तरीके से अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी भी तरह का किसी भी फंडिंग एजेंसी से फंड लेती है तो जाहिर सी बात है उसकी मार किसके ऊपर पड़ेगी, सबसे पहले लड़कियों पर पड़ेगी, क्योंकि कमज़ोर तबका सबसे पहले दबाया जाता है। और आप देखिए अगर एक फैमिली में दो बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, और एजुकेशन इतनी महंगी हो तो किसको एजुकेशन का लेने का अवसर मिलेगा। तो ये हमारे सामने एक जो जो एक यहाँ तक जो बदलाव हम दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट बदलाव हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से लेके और अब तक हर तरह से बदलाव तो है, इसको आप नकार नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि हम आज यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े जगहों पर जहाँ कहीं ना कहीं हम लोग दबे पाँव से बात करते थे अपनी, वो आज हम चिल्ला चिल्ला के इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जय फूले जय अम्बेडकर के नारे लगा रहे हैं। तो एक नरेटिव तो हमने बदला है ना, जो हमारे जो दूसरे लोग थे जो इंकलाब जिंदाबाद तक तो पहुँचे थे, माफ़ कर इंकलाब जिंदाबाद तक तो पहुँचे थे लेकिन जय फूले जय अम्बेडकर तक नहीं पहुँचे थे, उनको हमने लाने पे मजबूर कर दिया। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं अगर एग्जांपल लूँ, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर जय फातिमा में जय फूले जय अम्बेडकर जय बिरसा जय भीम के नारे लगते हैं तो वो क्रेडिट इस मूवमेंट को ही जाता है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएशन को यहाँ तक ला के खड़ा किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में अब जय भीम के नारे गूंजते हैं। तो लेकिन ये सारी के सारी प्रक्रिया होगी जो वो तभी तक है जब तक हम अपने शिक्षण संस्थाओं को सेफ कर पा रहे हैं, और वो सेफ तब है, सेफ का मतलब मेरा सरकार की जो जिम्मेदारी है, शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अगर वो इस तरीके से साइन करता है प्राइवेटाइजेशन को कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए और यूनिवर्सिटी को खुली छूट देता है कि आप अपने आधार पर एडमिशन का क्राइटेरिया बनाइए, आप अपने आधार पर फीस का स्ट्रक्चर तय करिए, आप अपने आधार पर जो हॉस्टल के जो सुविधाएं आप दे रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को वो तय करिए, तो आप ये देख लीजिए कि हम फिर कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी मार जो होगी हमारे ऊपर ही होगी, नई पीढ़ी के ऊपर होगी। तो इन तमाम सवालों को छोड़ते हुए मैं हालांकि चाहती थी आप तीनों को सुनना, लेकिन मैं टीचर हूँ ना तो ज़्यादा ही बोल गई। खैर एनीवे आप सब बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और ऐसे ही बैठा रहे, खूब सारा बात करता रहे और हमारी एकता बनी रहे। रिजर्वेशन जो हाथ से फिसलता जा रहा है गंजे आदमी की तरह, आज का जो ऑर्डिनेंस है मैं आपको बता दूं वो गंजे आदमी की तरह है, जिसके सिर के ऊपर पीछे यहाँ से जब वो यूं पकड़ेंगे ना तो हाथ से निकल जाएगा, वो वाली स्थिति ऑर्डिनेंस के आधार पे आपको साथ दी हुई है। मतलब ऑर्डिनेंस भी दे दिया लेकिन वो मिलेगा आप लोगों को कुछ नहीं, क्योंकि कोर्ट में दोबारा अपील डाली जा चुकी है और वो जैसे ही जीतते हैं आप लोग तुरंत वहीं खड़े होंगे जहाँ से शुरू हुए थे। तो इसलिए ये प्रश्न एजुकेशन सिस्टम के जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। आरक्षण जो सिर्फ एक आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व है हमारी संस्थाओं का, प्रतिनिधित्व संस्थाओं में प्रतिनिधित्व हमारा, उनके सवाल पर एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारी आज की स्त्री की बहुत गंभीर समस्या है जो हमारी युवा जो पीढ़ी है उनके लिए।
इन्हीं प्रश्नों के साथ आप सबका ढेर सारा शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय सावित्री। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने सारे किस्से, इतनी सारी बातें, इतनी सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा कि अब मुझे कहना पड़ेगा दो तीन चीज़ें कि फेरी कथाएँ है हमारे पास, है ना। और बौद्ध काल में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं का शिक्षा के प्रति, मतलब अपने वो पूरा का पूरा एजुकेशन धार्मिक एजुकेशन था, क्योंकि वही एक कारण था जिसके चलते महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल सकती थी। वो सबसे पहला मतलब धार्मिक एजुकेशन पाने का अधिकार मिला था, और क्योंकि धर्म को तब भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी, तो थेरियों ने जो अनुभव लिखे वो अनुभव जो है उनकी अपनी शिक्षा प्राप्त करने के अनुभव के तौर पे हम लेते हैं, जो 2000 साल पहले का अपना इतिहास है। और जिन चुनौतियों की तरफ आपने इशारा किया, दरअसल एजुकेशन इतने सारे संघर्षों के बाद मिला है, और सच में ये बहुत चिंतनीय विषय है कि बड़ी मुश्किल से महिलाओं की जो है एजुकेशन में महिलाएं आई, और एजुकेशन पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जिसमें रिजर्वेशन हो, जिसमें महिलाओं का अलग से रिजर्वेशन हो, और लगातार उस पर खतरा है, और हम सभी को इस पर सोचना चाहिए। जो एक वाक्य आपने कहा कि दलित महिलाएँ बहुत ज़्यादा मतलब पतियों को मारती भी है, और मतलब वोकल होती है, ठीक करती है, मारती है। और मैंने मारती से मतलब मेरा बराबरी का उस वे से आप एकदम सही पहुंची हैं। मैंने पुरुष साथी घबराए ना, ये सब पे लागू था, तो वहां से वहां घबराए तो बुरा नहीं। तो ऐसे कई वाक्य मैंने देखे। एक उदाहरण मैं मतलब बताना चाहती हूँ, मुझे काफी बताने जैसा लग रहा है कि एक पड़ोसी थे, और वो रोज पीने का अपना उनका शौक था, इतना इतना पीते थे कि सुबह 4 बजे उठ के जहाँ शराब मिल रही होगी वहाँ साइकिल जाते थे, और साइकिल भी लड़खड़ाती थी और खुद भी लड़खड़ाते, सुबह 7 बजे तक आते थे, सुबह 4 बजे से निकल के इतना वो पीते थे। तो उनकी जो बीवी थी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो खाना कई बार बनता और वेस्ट जाता उनकी इस हरकत से। तो उसके घर वालों ने ही कहा, उनकी सास ने कहा, उनके देवर और जेठ ने कहा, ऐसा है अब बहुत हो गया, अब बच्चे तुम्हारे बड़े हो गए हैं, अब तुम इसको पीटो। और उन्होंने लिटरली एक दिन खूब पीटा उनको, इतना पीटा फिर उनके बच्चे भी पीटने लगे। वो आदमी इतना शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसको बाहर निकाल के पीटा, घर के अंदर नहीं, आंगन में निकाल के पीटा। और उसके बाद में इतना शर्मिंदा हो गया वो आदमी, उनके बाद उस वाक्य के बाद उनकी शराब थोड़ी कम हो गई, मतलब छूटी नहीं, थोड़ी कम हो गई थी। तो ये भी ऐसा भी दलित महिलाओं का हमारे पास में वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन बहुत मजेदार ये चीज है, लड़ने की अपनी, बात रखने की अपनी एक आजादी है महिलाओं के पास में। दूसरा जो आपने वाक्य बताया कि जो आज की स्त्री है, जो आज की लड़कियां हैं, युवतियां हैं, जो शिक्षा में है, जो हायर एजुकेशन में है, प्रेम पर एक मैं बात करूं कि एक दो साथियों से जब बात हुई तो उनसे पूछा कि दरअसल आप जिससे प्रेम कर रही हैं उनसे आप शादी क्यों नहीं करना चाहती, मतलब क्यों नहीं कर रही, क्या मजबूरी है। तो उन्होंने कहा कि दरअसल यहाँ कठिनाइयां है बहुत, यहाँ रिवोल्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर शादी करने के बाद भी चैलेंजेस खत्म नहीं होते, वो चैलेंजेस ताउम्र लगे रहते हैं, और क्योंकि विद इन कास्ट करने में वो चैलेंज नहीं होता है। ये एक आंसर था। दूसरी महिला का ये आंसर था कि हम इसलिए भी थोड़ा कास्ट के जस्ट नीचे, मतलब सबसे ऊपर अगर हम ले तो जस्ट नीचे उतर सकते हैं, उससे ज्यादा नीचे नहीं उतर सकते। तो जस्ट नीचे उतर के थोड़ा प्रेम करे तो शादी करने में इजी जाता है, इतना ज्यादा विवाद नहीं होता है। तो ये भी प्रेम करने का जो है ना, नौकरी देख के प्रेम करने का, कास्ट देख के प्रेम करने का कल्चर हमारी एजुकेशन लेने वाली लड़कियों में मौजूद है। वो एक, उनका एक अपना डर है, उनकी अपनी एक वो परिवेश है, डर है कि उस परिवेश से आगे वो नहीं पढ़ पाती है, और कई बार ये चैलेंज खत्म नहीं होता है, शादी होने पर खत्म नहीं होता है, वो लगातार चलता रहता है, ये भी एक चीज है। और दूसरा आपने जो कहा कि इतना सारा चैलेंज है, तो साथियों हमको सोचना चाहिए एजुकेशन में हम कहाँ जा रहे हैं, और हमारा जो पूरा दारोमदार जो यहाँ तक लाया है सभी लोगों ने, वो कहाँ जा रहा है। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में साहित्य खुले के नाम पर छात्रावास है, महिला छात्रावास, और उस महिला छात्रावास की वार्डन हमारे बीच उपस्थित है, तो
प्लीज आइए मैम, डॉक्टर अवंतिका शुक्ला यहाँ पर मौजूद है, आइए अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आप सबको सुनने के लिए आई हूँ, मुझे लगता है कि वो समय वो शब्द तो रखे जा सकते। आदरणीय मंच और साथियों, सबसे पहले तो मैं अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने आज के दिन इतने महत्वपूर्ण लोगों को यहाँ बुलाया और उनके साथ हमें अपने विचारों को साझा करने का एक मौका दिया। सच में ये हम सभी के लिए, खासतौर से मैं इस विश्वविद्यालय की विद्यार्थी भी रही हूँ, स्त्री अध्ययन विभाग में अध्ययन अध्यापन दोनों कार्य चल रहा है, और वहाँ पे जब हम सावित्री बाई फुले और उनके योगदान को देखते हैं, शिल्पा बहुत अच्छे से शुरुआत में बता चुकी हैं, और उनके नाम पर यह हॉस्टल बनना, जब ये हॉस्टल बन रहा था तो उसके नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि किसके नाम पर बने, कोई क्लारा जेटकिन का नाम ले रहा था, किसी ने सावित्री बाई फुले लिया, फिर और भी नाम लिए गए, लेकिन फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जिस राज्य में हैं हम, और वहाँ से जिस तरीके से एक समाज सुधार आंदोलन के माध्यम से सावित्री बाई फुले ने पूरे देश भर में स्त्री शिक्षा की जो मशाल जलाई है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सामने लाते हुए और हमें इस छात्रावास का नाम सावित्री बाई फुले छात्रावास रखना हुआ। और मैं देखती हूँ इतने सालों में मेरा जो अनुभव है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारे छात्रावास की जो लड़कियाँ हैं, वो अपने आप में उस क्रांति ज्योति की एक रोशनी जैसी ही हैं, मिसाल जैसी हैं कि मैं तमाम सारे छात्रावासों में मेरे जाने का अनुभव हुआ है देश भर के हॉस्टल्स में, विचार के लेवल पर, विचारों को क्रियान्वयन के रूप में लाने पर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं या हमेशा हम हर सावित्री बाई फुले के कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करते हैं, आप जैसे लोग हमारे साथ अपने विचार साझा करते हैं, तो हर बार ये बात आती है कि उन्होंने इतने साल पहले इतने संघर्ष और जिस तरीके की हालात थी, जितनी जड़ताएं थीं उस समय, जातीय जड़ताएं थी, महिलाओं को लेकर जिस तरीके के बंधन थे, जब वो स्टेप वो तब ले सकती हैं, तो आज तो हम बहुत सारी सुविधाओं में हैं, तो हम वो स्टेप से आगे किस तरीके से जा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। और ऐसे अपनी पूर्वजाओं को याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम अपनी पूर्वजाओं को याद नहीं करेंगे तो हम अपनी पीढ़ी को बताएंगे कैसे कि आज जो हमें मिला है। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें आंदोलन में नहीं आना है, लेकिन हमें उसके लाभ भी लेने हैं। आज की जो पूरी युवा पीढ़ी है, खासतौर से महिलाओं की, वुमेन मूवमेंट का पूरा लाभ लेती है कि हमें ऐसे ही नौकरियां नहीं मिल गई, हमें ऐसे ही शिक्षा नहीं मिल गई, हमें ऐसे ही बराबरी के दर्जे नहीं मिल गए, सिर्फ सरकार ने हमारी थाली में परोस नहीं दिया है, उसके पीछे हजारों हजार हमारी पुरखियां रही हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन हम उसका लाभ लेंगे, लेकिन हम कभी याद नहीं करेंगे। हम अपने आप को किसी भी आंदोलन से जुड़ा होने में शर्म महसूस करेंगे, या हमें लगेगा कि ये तो सिर्फ टाइम को बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनकी कोई एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ ऐसे ही शोर मचाने वाले हैं। लेकिन ये आंदोलन, चाहे वो महिला आंदोलन हो या दलित आंदोलन हो, उसकी वैचारिक पूरी एक पूरी पृष्ठभूमि है, उसका वैचारिक धरातल भी है, उसके साहित्य का कि एक आंदोलन और एकेडमिशिया का पूरा एक रिलेशनशिप है, तब वो आगे बढ़ रहा है और समाज उसको बदलाव में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो हमें इन आंदोलनों का सिर्फ ऐसा भी नहीं कि ये आंदोलन जो है सिर्फ एक जाति या एक लिंग को ही लाभ पहुंचा रहे हैं, उसका अगर हम एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर और सभी को आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो एक हर एक श्रेणी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी दलित को लाभ देगा, वो एक सवर्ण को भी लाभ देता है, वो सभी को एक आगे बढ़ाने का एक मौका देता है, क्योंकि कि जब तक सबकी मुक्ति नहीं है, तब तक किसी एक की मुक्ति या उसके उत्थान की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सावित्री बाई फुले ने शिक्षा दी तो सिर्फ दलित औरतों को नहीं दी, उसका लाभ सवर्ण औरतों को भी दिया। अगर उन्होंने अगर इस तरीके के जो अवैध संबंध हैं जिसपे लोग सुसाइड कर रहे थे, तमाम सारी सवर्ण स्त्रियां आत्महत्याएं कर रही थी, उनको एक स्पेस दिया, उनको जिंदा रहने का एक अवसर दिया और कहा कि ये कोई पाप नहीं है, तो इस बात को जो आज है, आज भी कहना इतना आसान नहीं है, वो तब इस बात को कह रही हैं, तो इससे एक स्टेप हम और आगे एक बेहतर समाज की तरफ बढ़े हैं। तो हमें हमेशा ऐसे तमाम हमारे पुरखियों को बहुत याद करना होगा, और सावित्री बाई फुले का एक पूरा एक आशीर्वाद हमेशा हमारे एक पीछे है, और मैं बहुत मुझे बहुत गर्व है कि मैं उनके नाम के हॉस्टल की मैं वार्डन रही हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, इसके
बाद मैं नूर जहीर मैम को आमंत्रित करती हूँ, वो आए, वो अपनी बात रखें, उपन्यासकार, कथाकार, और आगे वो अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट का कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया, ये महफिल सजाई और इतनी खूबसूरत जगह हम लोगों का ये हुआ। सावित्री बाई फुले को सलाम और नमन। अभी एक बात जहाँ पे छोड़ी हमारी कॉमरेड ने, आपको कॉमरेड कह रहे हैं बुरा ना मानिएगा, इन्होंने कहा ना कि इनकलाब जिंदाबाद पे आप बुरा ना मानिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। जैसे इन्होंने कहा उस बात को आगे बढ़ाते हुए, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं मानती हूँ सावित्री बाई का, वो है कि सोच बदली, सोच बदलने की कोशिश की। मैं लाई तो थी यहाँ पर एक अपर क्लास मुस्लिम और एक दलित की मोहब्बत की कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन रोशनी बहुत कम है। मेरी नई किताब आ रही है, जो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी अंग्रेजी में कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उसी तरह से मेरी किताब का नाम है अ स्टोरी अ डे कीप्स डिप्रेशन अवे। तो एक कहानी एक दिन पे, 365 कहानियों की वो किताब है, उसमें से एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। एक बार एक कुम्हार सुबह सो करके उठा और उसने सोचा कि चलो सुराही बनाई जाए। वो अपनी चाक पर गया, उसने मिट्टी का लोंदा उठाया, चाक पे रखा, चाक घुमाई और जब उसको रूप देने लगा तो वो सुराही की जगह घड़ा बनने लगी। मिट्टी चिल्लाई, अरे अरे भाई, मैं तो सुराही हूँ, तुम मुझे घड़ा बनाए दे रहे हो। कुमार बोला, हाँ मेरा विचार बदल गया। मिट्टी बोली, तेरा विचार बदल गया, मेरा संसार बदल गया। क्या? विचार बदलते हैं तो संसार बदलता है। आइए कोशिश करें विचार बदले, जिंदगी को देखने समझने का तरीका बदले, रिश्तों को आंखने और जांचने के मापदंड बदले। आइए कोशिश करें कि ख्यालात बदले, दिन को देखने का नजरिया बदले। आप मूवमेंट्स की बात हो रही थी, मैं पिछले 4 सालों से देख रही हूँ जो चीज़ मुझे बहुत ही प्रभावित करती है, मुतासिर करती है, वो ये कि 4 सालों में जो जितने बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं वो सब महिलाओं ने खड़े किए। हम 3 साल पहले पे नज़र डालें तो मुनार में चाय बागान में काम करने वाली महिलाएं, जिनको जो बिल्कुल निराक्षर हैं, केरला में खैर थोड़ी बहुत शिक्षा दे दी गई है, लेकिन वो इस पत्तियां, चाय की पत्तियां चाय बागानों से तोड़ने के लिए मजबूर हैं, वही उनका काम है। वो लोग अपने आप को संगठित कर रही हैं और न्याय मांग रही हैं, और वो ट्रेड यूनियन के पुरुष जो सत्ताधारी हैं उन लोगों को नकार रही हैं और कह रही हैं कि आप हमारे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कॉम्रेड अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, अपना न्याय हम खुद मांगेंगे, और वो जीतती हैं। टाटा जो है वो वहाँ से उनसे भागता है बीच में, और दूसरे ट्रेड यूनियन के लोग आते हैं उनसे बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए, लेकिन उनको भी वो हटा देती हैं। मारने की बात हुई तो उनमें से एक ने अपना जूता भी उतार करके उनको मारा, और ये कहा भी कि मेरे पास यही एक जोड़ी चप्पल है और उसमें से एक मैं तुमको मार दे रही हूँ, तो इसलिए अब मुझे नंगे पैर ही रहना है। लेकिन वो ये कदम उठाती हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ाती हैं, और मूवमेंट जीतता है। आज उन लोगों को जो डेली वेजेस का जो संविधान उनको जो प्रावधान दे रहा है, वो उनको डेली वेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक बिल्कुल शिक्षा के लिहाज से अगर हम देखें, हम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं तो सबसे निचला तबका है, उससे ऊपर थोड़ा सा जाएं तो वो महिलाएं हैं जो टेलरिंग का काम करती हैं बेंगलोर में, वो संगठित होती हैं, वो थोड़ा बहुत हिसाब रख पा रही हैं, थोड़ी बहुत उनके पास शिक्षा भी है, वो आई हैं टेलरिंग का काम करने के लिए इसलिए कि वो कुछ पैसे बचा लेंगी और फिर अपने गांव में, अपने छोटे छोटे शहर में जा करके वापस वो चाय की दुकान या छोटा मोटा बिजनेस चलाएंगी। यानी वो इतनी शिक्षित हैं कि वो थोड़ा बहुत अपना काम चला सकती हैं, एक ट्रेड का एक सिस्टम चला सकती हैं, एक बिजनेस चला सकती हैं। वो एक बीच का तबका है, वो लोग भी सड़क पर उतरती हैं, पूरा बेंगलोर को वो चक्का जाम कर देती हैं,
और उनका आंदोलन भी कामयाब होता है। जो छोटे छोटे टेलरिंग डिपोज हैं उनको ये वादा करना पड़ता है कि हाँ वो जो मांगे कर रही हैं वो मांगे जायज़ हैं और वो मांगे उनको मांगनी पड़ेंगी। और तीसरा तबका वो है जो पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है आपकी तरह है और पिंजरा तोड़ रहा है। वो आंदोलन भी हम लोग इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो तो पढ़ी लिखी थोड़ी सी अमीर तबके की आई हुई लड़कियां हैं और वो इसलिए अपने आप को संगठित कर पा रही हैं और इसलिए ये लड़ाई लड़ रही है। वो लड़ाइयां बहुत जायज़ हैं, वो लड़ाइयां लड़नी ज़रूरी हैं, वो लड़ाइयां बराबरी की लड़ाइयां हैं और उन लड़ाइयों का भी हम अंत देख रहे हैं कि औरतों को लड़कियों को मारने पीटने पर पुलिस बुला लेने पर उस पर ख़त्म हो रहा है। बार बार जो है सत्ताधारी जो हैं वो उनके उन लड़कियों के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। तो सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है, वो तीनों तबकों की एक दूसरे से अलग नहीं है। हम लोग इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, आंदोलन करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ चीज़ें हम लोगों को अपने लिए जीत लेनी है, आंदोलन करना है इसलिए कि पूरा समाज बेहतर हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने है। इसलिए आंदोलन करना है कि जब हम लोग निकले सड़क पर तो हम सुरक्षित हों। आंदोलन करना है कि हमें अपने जायज़ हक मिले। कल भी हम लोग ये बात कर रहे थे मैं और कौशल कि ये जो 200 पॉइंट्स की बात है ये इस तरह से हम लोग खुशी मना रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हम लोगों को मिल गया, कौन सी हम लोगों ने जीत जीत ली। ये तो 6 महीने के लिए किया दिया गया है और उसके लिए अगले दिन मेरे ख्याल से 24 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटे के अंदर रिट ये कर दिया गया है। अर्थात सरकार जो है वो पीछे नहीं हटी है, वो बराबर कोशिश करती रहेगी और इसलिए आंदोलन का जारी रहना और छोटी सी जीत से चुपचाप बैठ जाना जो है वो बिल्कुल गलत है और वो नहीं होना चाहिए। आंदोलन मुस्तकिल जारी रहे इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं, ये जाहिर है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होगा। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए, कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमको सड़कों पे उतरना चाहिए, कुछ लोग ये भी तय करेंगे कि उनको नौकरियाँ छोड़ देनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये फैसला जो है ये अपने आप में गलत होगा। भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे ये सरकार परवाह नहीं करती कितने मर जाएं, चाहते ही है कि हाँ मरो मरो। 16 दिन तक तो बैठे रहे बेचारे JNU के बच्चे, मेरी बेटी भी थी उसमें, 12वें दिन उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो सरकार नहीं परवाह करेगी कि कितने मर जाएं और कितने ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आगे चलिए तो सरकार ये भी नहीं परवाह करेगी कि आप लोग कितने सड़क पर उतर रहे हैं और कितनी धूल भाग रहे हैं, वो ज़्यादा ये आपके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करेगी, कह रही है तो क्लास ही नहीं पढ़ाते, ये तो अब अपना काम ही नहीं करते, इनका फ़ायदा क्या है यहाँ पे होने का। और इस तरह के इल्ज़ाम मुस्तकिल लगते रहेंगे, इसलिए हम लोगों को आंदोलन करते रहने की ज़रूरत है। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, नाम से मेरे आप लोग समझे होंगे कि मैं मुसलमान हूँ। एक आ रही हूँ भैया उस पर थोड़ा इंतजार कर लो, मतलब मर्द हो समझ रहे हैं थोड़ा इंतजार करो, बोल बोल रहे हैं इतना स्पेस कर दीजिए इतनी वहां तक पहुंच सके। हाँ मुसलमान घर में पैदा हुई लेकिन इस्लामिक लॉ से मेरी मुस्तकिल लड़ाई रही है। मैं यहाँ पर क्योंकि आप लोग सब नौजवान लोग हैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब रूप कुंवर को जला दिया गया और उसको नाम दिया गया सती का, पता नहीं आप लोग बहुत कम उम्र हैं इससे वाकिफ़ हैं कि नहीं है इस वाक़े से, रूप कुंवर सती राइट। तो जब ये किस्सा हुआ तो सड़क पे हम लोग उतरे थे और ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी मैं मौजूद थी और जहाँ जहाँ मुझे बोलने का के लिए कहा गया वहाँ वहाँ मैं बोली। इस्लामिक लॉ पे जब बात होती है तो फौरन ये कह दिया जाता है और ये मौलवी खास करके ये बात कहते हैं कि आप तो ना बोलिए, आप तो हिंदू हैं, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोगों को चोट करने की ज़रूरत है, हम महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं,
हम रास्ते पर उतरेंगे, हम आंदोलन में शरीक होंगे। अभी जो 9000 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन्होंने डेमोंस्ट्रेशन किया जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो उसमें बहुत सारी हमारी हिंदू कॉमरेड्स आई और हमारे साथ खड़ी हुई, इसलिए कि ये लड़ाई महिलाओं की लड़ाई है और हमारा जीतना ज़रूरी है। एक एक मुसलमान औरत के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, एक हिंदू औरत के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, ये हमें सवाल पूछते रहने की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास संविधान मौजूद है, जबकि हम संविधान को पूरी तरह से मानते हैं। यहाँ पर मैं साफ कर दूँ कि मैं उस तरह से मुसलमान नहीं हूँ, मैं कॉमन सिविल कोर्ट के पक्ष में हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुसलमान महिला को, मैं बहुत खुश हूँ कि हिंदू महिला को वो अधिकार मिले जो जिनकी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और बाबा साहब उसके साथ खड़े हुए। शुरू में बाबा साहब को हार का सामना करना पड़ा और हिंदू ताकतें जो थी, हिंदुत्ववादी ताकतें जो थी, वो उनके ऊपर हावी हो गई, लेकिन धीरे 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 करके कई कई एक चीज़ें जो हैं थी उस बिल की आ गई, धीरे धीरे शामिल हो गई। क्यों मुसलमान औरतों को वो हक नहीं दिए जा रहे, जबकि प्रियम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे बराबरी देना चाहता है। शुरू होता है इस चीज़ से कि हर नागरिक इस देश का जो है वो बराबर है, ये कहीं नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता कि वी द हिंदूज ऑफ इंडिया या वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। तो क्यों मुसलमान औरत को वो हक नहीं दिए जाएंगे? अभी इस पर ये फौरन बात आएगी कि लोग कहें कि भाई ट्रिपल तलाक पर तो मौजूदा जो सरकार है उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया है, तो मैं क्यों नहीं सरकार के साथ खड़ी हूँ और मैं क्यों ट्रिपल तलाक के हक में बात नहीं कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक के खिलाफ मेरे जैसी महिलाएं ही लिखती रहीं, और आज जो बिल आया है उसको समझने की कोशिश कीजिए, वो सिर्फ पुरुष के हक में जाता है। अगर आप उसको सज़ा देना शुरू कर देंगे तो वो तो ट्रिपल तलाक कहेगा ही नहीं, वो दूसरी और बीवी ले आएगा, क्योंकि इस सरकार ने मल्टी मैरिज को तो एड्रेस किया ही नहीं है। तो इसलिए जब आप आधी बात उठाएंगे, आधी क्या, एक चौथाई, तब ये हो ही नहीं सकता कि पूरा हक आप दे दें औरत को। हमारी लड़ाई ये है कि मल्टी मैरिज बंद होगी, हमारी लड़ाई ये है कि बच्चे अगर हैं तो उनको मेंटेनेंस मिलेगी, हमारी लड़ाई ये है कि औरत जब तक दूसरी शादी नहीं करती उसको मेंटेनेंस मिलेगी, और ये तलाक जो है वो उस तरह से होगा जिस तरह से संविधान कहता है, यानी 3 महीने का गैप दिया जाएगा पहले एप्लीकेशन से, और फिर 3 महीने बाद अगर दोनों सोच करके आएंगे कि हाँ हमें तलाक ही चाहिए तो वेरी गुड। जब प्रावधान है इसका इस्लाम में भी और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग अलग रहिए। इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और मेरे ख्याल से कल परसों के अंदर बहुत कुछ ये होने वाला है। मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी एक एक नज़्म से। किसके बारे में है कविता, आप लोग समझ जाएंगे। अफसोस अफसोस वो लोग जो बड़े बनने की कोशिश में छोटे होते जाते हैं, अफसोस अफसोस वो लोग जो बड़े बनने की कोशिश में छोटे होते जाते हैं। छोटा सा मामूली इंसान का बूटा सा फल इन्हें पसंद नहीं आता। बालपन की मीठी तोतली बोली, दोस्ती की मजे मजे की हिकायतें और शिकायतें, आंखों आंखों में बातें, और वो तंग पेचीदा राहें जो दिलों को दिलों से जोड़ती हैं, इन्हें अच्छी नहीं लगती। नशे में धुत ये दुनिया को उलट कर अपनी दुनिया अलग बसाना चाहते हैं, लेकिन किसी बदमस्त शराबी के लड़खड़ाते पैरों को जन्नत का रास्ता कब मिला है? नई दुनिया उसने कब बसाई है? वो उड़ते हैं तो आसमान उनसे दूर होता जाता है, चलते हैं तो जमीन उनका बोझ बर्दाश्त नहीं करती, जमाना उनकी परछाई से भी दूर भागता है। वो तनते हैं, अकड़ते हैं, यहाँ तक के टूट जाते हैं, और कोई उनकी बर्बादी पर आंसू नहीं बहाता। अफसोस अफसोस। समय बाद उस जुबान को सुनने का मौका मिला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काबिले तारीफ रहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं
संदीप सबका सर को बुलाना चाहूंगी। आए सर प्लीज। पहले कल्याणी दीदी। नहीं मैडम, উপস্থিত হয়ে আপনাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন। আজ যে পরিস্থিতি চলছে দেশে এখন, ইলেকশন তো ঘোষণা হয়ে গেছে, সুতরাং আমাদের এখন এমন একটা সময়ে যে ভিতর দেশের মধ্যে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করেও দাঙ্গা না লাগিয়ে যুদ্ধ খেলা একটা শুরু করে দেওয়া হয়েছে, তো সেই জায়গা থেকে এখন যে পরিস্থিতিগুলো, যে দেশের যে অ্যাকচুয়াল সমস্যাগুলো সেটা থেকে ডাইভার্ট করার জন্য যে কাজগুলো করা হয়েছে কারোরই বুঝতে সুবিধে হচ্ছে না আমার মনে হয়। वो बोल रही है कि जिस तरह से इलेक्शन अनाउंस हो गया है और जो परिस्थिति जिस तरह से बनाई जा रही है कि पहले तो भीतर ही राइट्स होते थे, अब कोशिश की जा रही है कि युद्ध लग जाए और युद्ध का एक खेल चलाया जा रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बता रही। तो সেই পরিস্থিতিতে আমাদের একটু অনুধাবন করা দরকার, আমাদের বোঝা উচিত যে যে সরকার সংবিধানই রাখতে পারছে না, সংবিধানের যা দায়িত্ব সেটা পালন করতে পারছে না, তখন সেই দায়িত্ব এড়াবার জন্যে যত রকম পরিস্থিতি হয়, যতভাবে দাবানো যায় সেই চেষ্টা করছে, এবং দলিত পীড়িত এবং মহিলাদের উপরে তার ফল মানে কুফল এসে পড়ছে, সেই সেই কুফলের যা এফেক্ট হবে তাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি জরুরি হবে যে যুব সমাজ যাতে এতে ইনভলভ হয়, এবং যুব সমাজের মধ্যে ছাত্ররা আছে এবং যুবতী মেয়েরা একেবারেই কোনো রকম মুভমেন্টের সাথে জুটছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেঙ্গলে, আমি যেটা দেখি বেঙ্গলে আছে যে বুক ফেয়ারে লিটল ম্যাগাজিন মুভমেন্ট একটা হতো, আমাদের আমরা যখন ইয়াং ছিলাম তখন আমরা ওই ছোট ছোট ম্যাগাজিন বের করে বিক্রি করতাম, সেটা এখন একটু বড় আকারে বের করি, এবং এখনও গত 25 বছর ধরে আমি একটা ম্যাগাজিন করছি। তো এই এই ম্যাগাজিন করার টেন্ডেন্সি, এই বই মেলায় যাওয়ার প্রবণতা, বই কেনার প্রবণতা, এইগুলো কমে গেছে এই নতুন জেনারেশনের কাছে, হচ্ছে হাতে দিয়ে দিয়েছে মেশিন, সেটা দিয়েই সারাদিন খেলাধুলো চলছে, সেটাতে আমরাও ইনভলভ হয়ে গেছি, সেটা শুধুমাত্র ইয়াং জেনারেশন হয়েছে তা নয়, আমরাও হয়ে গেছি। তো সেই জন্যে আন্দোলন করা বা মুভমেন্ট করার মানসিকতাটাই চলে গেছে, মানসিকতাই নেই, ওই শপিং মলে যাওয়া আছে, বড় বড় আয়নক্সে ছবি দেখতে যাওয়া আছে, যেসব প্রলোভনগুলো তৈরি করে, যে ভোগবাদী বাজার তৈরি করে রাখা হয়েছে সেই ভোগবাদী বাজারের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্র তার মতন কাজ করে যাবে কিন্তু সাধারণ মানুষ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবে, রাষ্ট্রের ব্যাপারে কোনো মাথা ঘামাবে না, এইরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছে এবং ক্রমশ সেটা বাড়ানো হচ্ছে। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে 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 জায়গাগুলোতে হাত লাগানো হচ্ছে, মানে রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে, সংবিধানের অন্যান্য যে প্রিএম্বলগুলো আছে, যেটা যে রাইটগুলো দেওয়া ছিল মানুষকে, সেই জায়গাগুলো যখন রাষ্ট্র হাত দিচ্ছে সেখানে প্রতিবাদ করা, এবং সেই প্রতিবাদের জায়গা তৈরি না করতে পারলে পরে পরবর্তী জেনারেশনরা ভুগবে, এবং ঠিক সেই আগের মতন সেই বৈদিক যুগে যেভাবে চতুর্বর্ণ প্রথা করেছিল, এবং সেই চতুর্বর্ণ প্রথা আবার এসে যাবে, এবং তাতেই হচ্ছে ওই পুরো নিচে নামিয়ে দেবে এমনভাবে, গভর্নমেন্ট সেক্টরে তো করেই দিয়েছে, রিজার্ভেশন তো 10% অলরেডি করে দিয়েছে জেনারেলকে, সেটার থেকেও বড় কথা এর আগে যেটা ছিল যে রিক্রুটমেন্টে আগে ক্যাটাগরি ছিল গ্রুপ সি ক্যাটাগরিতে রিক্রুট হতো, এখন টোটালি সব MA পাশ করে এসে গ্রুপ D ক্যাটাগরিতে
রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, তার মানে তোমাকে প্রথমেই হচ্ছে সরকারি ভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী করে দেওয়া হলো, মানে ওই চার বর্ণের নিচের বর্ণ সেবাদাস যেটা, সেইটা কিন্তু সরকারি গভর্নমেন্ট ওয়েতে তৈরি করে দেওয়া হলো। তো সেই জায়গাগুলো তৈরি হয়ে থাকছে এবং এই এই পরিস্থিতিগুলো অনেক আগে থেকে শুরু করে মানে প্রি প্ল্যান্ড ওয়েতে হয়ে আসছে, সেই জন্য এই নিউ জেনারেশন যদি অ্যালার্ট না হয় তাহলে পরে তাদের সামনে আরো আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্ভাবনা আছে। আমার বলা একটু অসুবিধে হচ্ছে, এই বলে সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। উম্মীদ করতি হুম ভাব তো সমঝ মে আ গে হোগে সাথিও কো আর অভি সন্দীপ সরায় ওর আপনি বাত রাখি মারলা ভাষা বললা এই কমিউনিকেটিভ থা জয় মেম দোস্তো उपस्थित कौशल भाई नूर आपा हमारी निर्मला पुतुल दीदी और कल्याणी ठाकुर दीदी मेरी मेरे मित्र दोस्त संजीव चंदन अवंतिका और मिश्राम दादा बहुत थोड़ी सी बात कहूँगा मैं हालांकि मैं भी अध्यापक ही हूँ तो 45 मिनट से कम हम लोग लेते हैं लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त में बोलूँगा और उद्देश्य जो है मेरा जो मुझको एड्रेस करना है आप लोगों को खास करके हमारी जो महिला मित्र हैं उनको मेरी पत्नी से मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले जब संजीव का फोन आया मोहिनी का वो मुझे कहानी सुना रही थी कि मार्गरेट मीड आई थी बम्बई विश्वविद्यालय उनको वो दिया गया था विश्वविद्यालय की उपाधि उपाधि जो दी जाती है मानद उपाधि डॉक्टर तो मार्गरेट मीड के उस व्याख्यान में हीरावती करवे वहाँ उपस्थित और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो मेल डोमिनेंट विषय है पुरुष पूरी तरह से पुरुष के वहाँ पुरुषों की वहाँ पर है क्योंकि औरतें हो तो आप क्या फील्ड वर्क में जाओगे कौन सा फील्ड वर्क करोगे जंगल जाना है बहुत भीतर तक जाना है उन आदिवासियों के बीच में और काम करना है लेकिन मार्गरेट मीड ने उस दिन एक बात कही कि मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ और ये बहुत बड़ी बात थी पूरी दुनिया के लिए जब मीड ने इस बात को कहा था कि मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ और शायद जिस वेस्ट को हम बहुत देखते हैं कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है और वो है उस तरह का नहीं है मामला कुछ वहाँ पर भी हीरावती करवे जब अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी पुणे में और हीरावती करवे 70 में उनका देहांत हुआ है 1970 में उस स्कूल में कहा जाता था उनके बारे में आनंद उनके बेटे का नाम था तो मराठी में कहते थे कि आंध्याची आई आली यानी आनंद जो है उसकी माँ आई है उस दिन उन्होंने कहा कि मैं हीरावती करवे हूँ सेल्फ जो है मैं हूँ और पुणे के उस समाज के सामने बोलने में जो है उतना ही बड़ा प्रतिरोध उनको झेलना पड़ा उस विरोध झेलना पड़ा वहाँ से जितना कि सावित्रीबाई फुले को उस और फातिमा बी को भी उस समय जब झेलना पड़ा आप देखिए कि एक लंबा समय गुजरा है सावित्रीबाई फुले के बाद से लेकर इरावती करवे तक का और इरावती करवे तो खुद जो है वो एक उच्च वर्णीय परिवार से आती थी उन्होंने इस बात को अब स्कूल का पाठ ये है इसी घटना को हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं मराठी तो मराठी के स्कूल में उस पाठ में ये पढ़ाया जाता है कि जिस दिन स्कूल में कहा गया कि आंध्याची आई आली यानी आनंद की माँ आ गई उस दिन इरावती करवे ने अगला सेंटेंस कहा कि देखिए उस दिन मुझे अपने पूर्ण स्त्री होने का एहसास हुआ ये पाठ है दिस इज अ टेक्स्ट इन अवर यूनिवर्सिटी स्कूल्स टेक्स्ट है पढ़ा यानी जो स्त्री कह रही है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को सुनने के बाद में वो कहती है कि मैं स्त्री हूँ और मैं इरावती करवे हूँ माई सेल्फ और उसके लिए वो लड़ी वहाँ पुणे में अकेले स्कूटर चलाने वाली महिला थी वो उस समय में पुणे यूनिवर्सिटी में जब डेक्कन कॉलेज में रही है अब मैं इसी को जोड़ते हुए आप लोगों से निवेदन करूँगा आप महिला मित्रों से आप अपने विषय को बहुत यानी मैं कहूँगा इतने ज़बरदस्त ढंग से पढ़िए उसको ठीक है कि सिलेबस उनका बनाया हुआ है
लेकिन लड़ाई वहीं से लड़ी जाएगी, तो हमारे उसमें आपको जाना है। जब तक देखिए कि कौशल ताई अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं रखती तो ऐसे ही कौशल पवार नहीं होगा, बहुत साधारण सी बात है। और मैं हमेशा इस विश्वविद्यालय में पहले से कहता रहता हूँ इस बात को, कहता हूँ हमेशा कि आपका पढ़ना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जब एक दलित आदिवासी और स्त्री और हमारे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जब वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, अपने कमरे में बैठकर पढ़ते हैं, तो वो बहुत बड़ा आंदोलन होता है उसके पढ़ने का जो मूवमेंट है, और वो चाहते हैं कि उससे आपका ध्यान भटक जाए। आंदोलन हम करेंगे, हम कर रहे हैं आंदोलन, क्योंकि एक परंपरा है हमारे पास में पूरे मूवमेंट की आंदोलन करने की। लेकिन आप अपने अपने विषयों को बहुत गंभीरता से पढ़िए, जानिए उसको, तब आप पूछ पाएंगे कि उसमें क्या चीज़ है। हालांकि नूर मैम से वो कहानी तो जरूर सुननी थी, लेकिन जब पब्लिश होकर आएगी तो मेरी भी एक कहानी है, मैं बताऊंगा आपको कभी, अभी अवकाश नहीं है। लेकिन कुछ कुछ इस तरह की, संजीव को पता है, कई बार मैं संस्मरणों में बता चुका हूँ उन बातों को। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसी के कुछ